सामने एक पिकअप फंस गया है और उसको निकालने के लिए भाई क्या मत यह है यहाँ पे जिमनी और यह है जिप्सी और यहाँ पे इन्होंने आज कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाला है। ओ भाई आराम से आराम से आराम जो देखो देख रहा भाई कितने लोग पुरानी वाली जिप्सी जो मतलब जिसको ड्रॉप बोलते हैं ना भाई ये है देखो सब कुछ सेम है तेरी बदौलत जो आज। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू व्लॉग और न्यू व्लॉग की शुरुआत काफ़ी टाइम बाद घर से और घर की लोकेशन बहुत ही अलग अलग हो रखी है और बाहर भाई इतने सारे लोग आ रखे हैं ना आई डोंट नो क्या चल रहा है मोहल्ले में कुछ शायद मीटिंग है आतुल क्योंकि बहुत ज़्यादा पता है ना आप लोगों को क्या चल रहा है तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे मीटिंग चल रही है और भाई मैं उठा बहुत ही लेट सब लोग अपने काम में बिजी हो गए मम्मी अपने काम में बिजी पापा तो सुबह ड्यूटी चले गए थे तो मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने एक बहुत ही स्पेशल जगह भाई छोड़ दिया इस विंटर में लेकिन शायद भगवान जी चाहते थे कि आप जाइए और इस जगह को पूरा करें क्योंकि वो लोकेशन इतनी अल्टीमेट है ना और मुझे जितना लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उस जगह पर कहना मैंने पूरे गूगल पर सर्च किया पूरे यूट्यूब पर सर्च किया पूरे इंस्टाग्राम पर सर्च किया वहाँ की विंटर की किसी की भी फोटोज वीडियो नहीं देखी मेरे को जो परफेक्ट होती है तो हम लोग भाई निकल रहे हैं उस लोकेशन के लिए देखते हैं कहाँ तक जाया था और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 11:30 तो मैं अभी निकल रहा हूँ घर से और देखना चाह रहा हूँ कि इस बार इस ट्रिप पे कौन कौन जुड़ता है क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन प्लान है सिर्फ मेरा पर्सनल प्लान था और ये लोकेशन मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लोर हो आप लोग भी इस जगह पर आओ यार बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है तो आज नहीं तो भाई अगले वाले व्लॉग में आप लोगों को पक्का वो लोकेशन दिखने वाली है तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ जाया था और हाँ जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने कुछ गोपेश्वर के टॉपिक्स उठाए थे तो वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा भाई वायरल हो रहा है तो आई एम सो सॉरी जिसे भी बुरा लग रहा हो बट जो रियल है हम उस रियल चीज़ पर बात करेंगे यही कहानी है तो अभी मैं फटाफट निकलता हूँ तो वेलकम अमितेश नेगी तो रुद्रा में हम लोग पहुँच चुके हैं और देख सकते हो भाई यहाँ मैंने कहा था ना बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग है कुछ होगा भाई रिलेटेड मोहल्ले से रिलेटेड और भाई ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए डे बाई डे और माता जी तो इन सब चीज़ों में बिजी है क्या पता कुछ टाइम बाद माता जी समझ रहा हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट वहाँ भी चाहिए ये बट मैं भी निकल रहा हूँ और अभी प्लान सर्टेन बन रहा है पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं बट आप लोग साथ देना और भाई वीडियो देख रहे हो एक बार लाइक प्यारा सा कर दो सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग पहुँच चुके हैं गोपीनाथ मंदिर पे तो देख सकते हो जय हो गोपीनाथ जी सबकी रक्षा करना सबको खुश रखना और भाई लोग यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है भाई लोगों का बढ़िया इन्जॉय करो भाई सबके जिंदगी हमने भी ऐसा शूट किया हुआ था यहाँ पर बट अब ये है कि यार शूट में कुछ और नया लाना है कुछ नया करना है इसीलिए कुछ नई नई चीज़ें देखते हैं लेट्स न्यू ट्राई और भाई लोग बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं यार बट हमने भी ऐसे शुरू किया था यार निकॉन से कैनन से और आज हम लोग इतने अच्छे अच्छे कैमरे यूज़ कर रहे हैं बहुत अलग बात है। अंकल जी निकालो निकालो भाई मैंने बोला ना इस गाड़ी के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं यार बहुत सारा समस्या बहुत सारा ये देखो हमारे साथ के लौंडे आ रहे हैं जोश जी हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं भाई लौंडे ने बैग वैग ऐसा रख रखा है ना भाई खतरनाक मतलब भाई हम वहाँ मतलब एक दो हफ्ते के लिए नहीं सर एक दो दिन के लिए जा रहे हैं भाई ने बढ़ जाएंगे ओली जाएंगे फिर उसके बाद मलारी जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत कपड़े तो चाहिए ना भाई मतलब भाई पूरे उस बाहर का सिस्टम और अभी कहानी है कि भाई गोपेश्वर इतनी गर्मी पड़ गई नहीं क्या बताएं भी तो निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से चलो सर मैं तेरी बदौलत में आ जाऊं है तेरी बदौलत जो आ जाऊं बनेगा सितारा जमीन का बेटा ये तेरा और जाएगा बहुत दूर बहुत दूर मैंने सोच रखी मेरी भागदौड़ काफी चल रही मेरी बहुत दूर मेरे सपने हकीकत से बहुत दूर मैंने तय करी दूरी। आइए आइए स्वागत है स्वागत है स्वागत है दोनों भाई दो लोग ज्वाइन हो गए शिवम जोश जी तो नए हैं अभी और भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिरही में और अभी हमारा प्लान ये बना कि आज हम लोग करेंगे पहले ओली और ओली के बाद बताएंगे कि क्या है आगे का प्लान बट अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मौसम धीरे धीरे और बन रहा है तो मतलब हमें लाइव स्नो देखने को मिल सकती है आज भी और काफ़ी चांस है और भाई हमने पूरा वेदर चेक किया तभी हम लोग निकल रहे हैं। भाई देख रहे हम संजू भाई को लेने आए थे लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर मिले यहाँ पे ओहो देखो पीछे से आ रहे स्कूल से हाँ भाई मोदी जी ठीक है पक्की बात हो गया तो ये हमारे मोदी जी है मतलब हम इन्हें प्यार से मोदी जी बोलते हैं भाई का भी पेपर वेपर चल रहे हैं देखो तो भाई पूछ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मिल लेते हैं सबसे यार खुशियाँ बांटनी चाहिए तभी मज़ा आता है तो ये देखो भाई खुशियों के साथ साथ ऑफ रोड भी बांटना चाहिए। तो इस रूट का भाई सबसे बेस्ट पेट्रोल पम्प नायरा और भाई हमेशा की तरह हम लोग यहीं पर पहुँचते हैं और पेट्रोल फुलफिल करवा रहे हैं स्पॉन्सरशिप भाई जोशी जी और भाई अभी हम लोगों ने भरा है यहाँ पे 19 लीटर मतलब 1950 का मालिक है ये और मालिक तो उधर मालिक तो हमारे
मालिक तो उधर है था। कुछ आजो मालिक बहुत डरता है वही इधर है। तो भाई आना है ना तो एक बार भाई जी की शक्ल देख लेना, यहाँ पे खतरनाक है और रूट के हिसाब से भाई बहुत सही पेट्रोल पंप है और हमारे लिए तो हर टाइम खुला हुआ है। जब भी हम फोन वन करके पहले तो उस साइड पे हम लोगों को जाना, तो देख रहे हो भाई क्या मस्त वेदर वर्क है अभी उधर, खतरनाक वाला। तो बर्फ बर्फ पक्का गिरने वाली है। तो भाई अभी स्विच हो चुका हूँ मैं भाई, अब पैसेंजर वाली सीट पर आ गया और हमारे जोशी चला रहे हैं, तो इनसे भी हम एट द एंड फीडबैक लेंगे कि कैसा है क्या, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि यार ऐसा वैसा है, बट जब तक आप खुद लोग चलाओगे नहीं या खुद फील नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक अच्छी बात बताऊं कि भाई बारिश की बूंदें हल्की हल्की दिख रही है, तो सोचो कि हमें लाइव स्नो वो मिलने वाली है। तो ओली वेट कर रहा है हमारा शायद लाइव स्नो के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई मैंने लाइव स्नो नहीं देखी, चोपता देखी थी थोड़ा बहुत, लेकिन ओली का देखते हैं क्या है प्लान अभी। तो अभी रास्ते में देखो भाई, तो पूरी एकदम बूंदे बूंदे दिख रही होंगी ये, और रोड तो बहुत सही हो रखा है भाई, मतलब चार धाम के लिए इस बार प्रॉपर तैयारियां चलने लग गई अभी से। और आप लोगों को पता ही है कि 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है बद्रीनाथ जी पे। और 18 मई को खुल रहे हैं भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट, तो यही है अभी तक की यही दो डेटें आई है। और केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की मतलब कुछ टाइम में आ जाएगी, तो वो भी हम आप लोगों को अपडेट दे देंगे। तो भाई हम लोगों की एंट्री तो हो गई है जोशीमठ में, बट एंट्री से पहले कुछ खतरनाक देखने को मिला हम लोग को। देख रहे हो ठीक सामने एक पिकअप फंस गया है और उसको निकालने के लिए भाई क्या मतलब खतरनाक तरीके से टो किया जा रहा है, मतलब नगर पालिका वाली गाड़ी से। अब देखो भाई उन्होंने एकदम खतरनाक वाला सिस्टम कर दिया, मैट लगा दिया है, देखते हैं कैसा कैसा होता है। और हम लोगों ने थोड़ा सा गाड़ी पीछे कर दी क्योंकि भाई उसने अभी टो करना। तो ये देखो भाई ये कहानी होती है पहाड़ों में। ओ भाई साहब जो देखो देख रहे हो भाई कितने लोग गलत लगा रहा पाँव अच्छे से, गलत लगा रहा पाँव, गाड़ी स्पीड हो गई ना पाँव पे चढ़ जाएगी। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई, तो भाई ये देख रहे हो ये गाड़ी फंसी हुई है और उससे भी टो हो रहा है। और ऐसा वेलकम भाई बहुत ही कम देखने को मिलता है हम लोगों को, मतलब भाई असली एडवेंचर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये होता है कि भाई जब मतलब बर्फ़ बर्फ़ गिरती है ना उसके बाद थोड़ा सा मडी वाला एरिया हो जाता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग पहले जहाँ भी जोशीमठ में, कुछ खा पी लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है, पहले कुछ खाने के लिए देखते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने भाई, इस बार तो बहुत खतरनाक हो रखा है भाई। यहाँ पे देखो पेड़ वेड़ की चॉपिंग हो रही है पूरी, शायद यहाँ पे बिजली विभाग वाले अपनी वायरिंग चेंज कर रहे हैं, इतना खतरनाक मडी मडी हो रखा है। बट ये है कि यार हम लोग यार रुद्र है ना, तो थोड़ा सा हम टेंशन फ्री होके चल रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं हम लोग जोशीमठ पे, और जोशीमठ में आके भाई लंच तो करना ही था और हम लोग पहुँचे हैं लंच के लिए। तो देखो लंच में हमारे पास है अभी चिकन चिकन और बाकी हमारे वेज वाले तो उनके लिए वेज कर रखा हुआ है। और ये लोकेशन ये है भाई जो मतलब बद्रीनाथ बस अड्डा है वहाँ पे, तो यहीं से आपको बद्रीनाथ के लिए भी टैक्सी मिलेगी और यहीं से आप लोगों के लिए मलारी के लिए भी टैक्सियाँ मिल जाएंगी। घोड़े देख के किस्मत पलट दूं, अब आप खुश होगा अपना लड़का देख के। मैंने गरीबी देखी गरीब से तनखा आधी, पापा की जाती फीस पे, 5 साल से एक ही कमीज पे, गरीबी चाहे थे सोते जमीन पे। तो हो चुका हम लोग का लंच और भाई हमारे राणा भाई ने बहुत ही मस्त एकदम भाई खाना बनाया था, मजा आ गया। और भाई हमारे सबसे अच्छी बात यह है ना कि भाई हम लोग सिंपल सोवर खाना पसंद करते हैं और यहाँ पे आके जो खाना खाया ना एनर्जी आ गई है। और अभी हम लोग का जो प्लान बनना है वो बनना है कि आज हम लोग ओली करें। और यहाँ पे हमारे बड़े मित्र भी मिल चुके हैं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई, भाई इतना ठंडा हो रहा है, एक बार खतरनाक स्कूटी लेके भी जा रहा है भाई, अब देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। और जोशी जी भी पहुँच चुके हैं, चले जोशी जी चलो, ठीक है भाई जी बाय बाय। तो भाई जी का भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना खिलाया यार, मज़ा आया, सिंपल सोवर खाना। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है ओली वाले रूट पे और ऑलमोस्ट यहाँ से भाई अभी हमारा जो ओली का रास्ता है वो है 11 से 12 किलोमीटर। और देख सकते हो भाई ये पूरा आर्मी एरिया है और यहाँ पे हमें थोड़ा स्लो स्लो करके चलना पड़ा क्योंकि भाई आर्मी वालों का खतरनाक सिस्टम है। ये देखिए यहाँ से है ओली 8 किलोमीटर और मौसम जो ऊपर है ना भाई बहुत ही मस्त हो रखा है। तो होप सो हमें लाइव स्नो देखने को मिले, मज़ा आएगा क्योंकि यार इतना दूर आए हैं तो थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं लाइव स्नो का। और भाई हमारे साथ के जो बंदे हैं ना भाई वो कुछ लोग स्कूटी में भी चल रहे हैं और कुछ लोग बाइक पे भी चल रहे हैं, मतलब 2-3 भाई लोग भाई अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनसे अभी मिलाऊँगा मैं आपको।
बट यह यार खतरनाक हो रखा है लोग, खतरनाक। तो भाई हम लोग ऑलमोस्ट आधा हमने कवर कर लिया ओली के लिए, और लास्ट टाइम जब हम लोग ओली पहुंचे थे तो हम लोग यहीं पर रुके थे, और अभी हम भैया से बात कर रहे हैं कि यार रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है। द गौरी हट्स नाम से यहाँ पे कैफ है, देख सकते हो क्या मस्त है, और भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो बातचीत करते हैं क्योंकि सबसे पहले रूम भाई होना ज़रूरी है, रूम की व्यवस्था करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने विंटर वाले रूम पे, और भाई स्टार्ट हो चुकी है स्नो, बहुत ही तगड़ी तो नहीं है अभी, थोड़ा थोड़ा है। और भाई ये देखो, मतलब यहाँ पे भाई सिस्टम ये है कि मशीनरी तो लगी हुई है तो इजीली मतलब सारी बर्फ़ हटा सकते हैं, लेकिन बर्फ़ भाई दोनों साइड बहुत तगड़ी है। संजय भाई याद है लास्ट टाइम हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे भाई लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हम लोगों ने बाइक खड़ी की थी और उसके बाद हम लोग पैदल गए थे भाई यहाँ से। आज देखो कहाँ तक जाते हैं, नीचे हम घिसते पिटते गिरते हुए आए। हाँ भाई जब नीचे आए थे हम घिसते पड़ते आए थे, इस बार देखते हैं भाई घिसते पड़ते तो नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे। और भाई यहाँ पे मतलब मोस्टली गाड़ियाँ सारी जिप्सियाँ हैं, मतलब जो जिम्नी से पहले वाला मॉडल था वही, देखा था आगे भी आर्मी का वो आ रहा है जिप्सी, बहुत ही खतरनाक सिस्टम है भाई यहाँ पे देखो, देख रहे हो भाई। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत यह है कि यार ये वन वे है, इसी चक्करों में गाड़ियों को थोड़ा सा निकलने में दिक्कत है भाई, वैसे तो ज़्यादा ये नहीं कि बर्फ तो है नहीं क्योंकि सारी गाड़ी इजीली जा पा रही है। ओहो लग गया जाम, कहा था ना मैंने ठीक है भाई ठीक है आगे बढ़ा लेते हैं, हमारे साथ आगे की टीम स्क्वाड कर रही है क्योंकि चलो 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 उस्ताद जी सीधा बढ़ा दो सीधा। तो ये देखो भाई जाम का यहाँ बड़ा सिस्टम हो रहा है, बहुत ही खतरनाक भाई गाड़ियाँ तो खतरनाक आ रही है, टोयोटा इनोवा देख रहे हो भाई सारी गाड़ियाँ खाली आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है सारे क्लाइंट को छोड़ के आ रही है। किधर को जाना हमको, यहाँ से ऊपर वाली जीरो लगी है, गेट लगी है, नहीं जाना जाना। ओहो यहाँ इधर आ रही, इधर उधर से कहाँ जाएंगे, उधर से है नहीं, वहाँ बैक करेंगे वो तो लास्ट है, यहाँ तो लगा दिया गया है। तो भाई हम लोग सोच रहे थे कि हम 10 नंबर तक जाए, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा 10 नंबर यहाँ पे, तो भाई एकदम बैरियर लग गया आर्मी वालों का, और देख सकते हो भाई यहाँ पे स्टॉपेज है। और भाई संजय भाई पूछ रहे कि क्या सिस्टम है, ऊपर जाने दे रहे कि नहीं पता करते हैं, बस तो स्टॉपेज लगा हुआ है भाई, ऊपर नहीं जान देंगे यही लास्ट। तो सिस्टम ऐसा होगा कि यहाँ से आगे आप गाड़ी जाने नहीं दे रहे, आर्मी वाले ने भाई रोक दिया गया है यहाँ पे। तुमको अरे यहाँ पे हमारे सचिन भाई भी लगे हुए हैं अपने काम धाम पे, भाई जी मिल जाएगा रूम पक्की बात देख रहा लौंडे पता भाई कहीं ना कहीं से मिली जा रहा है, इसको हम ढूंढ रहे थे कहाँ का। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्की रिजॉर्ट ओली, देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे आप लोग भाई क्या मस्त लोकेशन हो रखी है, बर्फ़ तो वैसे इस बार ज़्यादा पड़ी हुई है लेकिन बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पे है, और देखो भाई हल्की हल्की बर्फ़ है अभी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा 10 नंबर तक जाएँ, अभी तो टाइम है हमारे पास क्योंकि जो अंधेरा होने में अभी लगभग 1-1.5 घंटा है, तो हम सोच रहे हैं कि कर लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी लेके और भाई लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। तो कहानी ऐसी है कि भाई हम लोगों ने पार्क पे कर दिया, लेकिन साथ में भाई यहाँ पे जो मतलब रुद्रा जो जिम्नी है ना उसका इससे पहले वाला वर्जन दिखेगा आपको, मतलब जिप्सी वाला, तो दोनों गाड़ियों में बहुत ही सिमिलर वाला सिस्टम है। देख लो भाई ये है यहाँ पे जिम्नी और ये है जिप्सी, देख सकते हो भाई हमारे यहाँ देख रहे हो भाई फुल फोटो सेशन चल रहा है। तो ये है हाँ, तो ये भाई की है यहाँ पे भाई देख सकते हो, भाई ने बहुत मस्त बनाई है माउंटेनर, देखो ये है भाई पुरानी वाली जिप्सी जो है, मतलब जिसको ड्रॉ बोलते हैं ना भाई ये है, देख सकते हो सब कुछ सेम है, ये थोड़ा सा पुराने वाले तरीके से है, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, और जो 4x4 है वो थोड़ा सा अलग लीवर पे है, समझ सकते हो भाई। तो मतलब सब कुछ अच्छा है और बहुत ही अलग लेवल का है भाई, तो दोनों आपको सामने भी दिख रही होगी आज, समझ रहे हो क्या है कहानी। तो यहाँ पे भैया लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं भाई जिम्नी को, और भैया लोग यहीं से हैं लोकल, तो भैया लोग देख रहे हैं कि कैसा कैसा सिस्टम है, और व्हील टेस्ट ड्राइव भी ले ली उन्होंने,
तो भैया कैसा है रिस्पॉन्स? अच्छी गाड़ी, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। सही है, मतलब मतलब आपके सामने दोनों गाड़ी, आप लोगों ने तो दोनों अब ट्राई किए हैं। दोनों जिम्नी पसंद आई, जिम्नी पसंद आई, मतलब बहुत जबरदस्त गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी है। अब वैल्यू फॉर मनी है यहाँ पे, गियर भी ठीक है। 4x4 का ना कि जिप्सियों में होता क्या है ना, लगता नहीं है, इंगेज नहीं होता है गियर ना इसका, बहुत बहुत स्मूथ है, मतलब सॉफ्ट आसानी से लग रहा है। 4x4 बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग भी इसी लेकर आए थे और भैया लोग पुल यहीं से है तो भाई लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार ठीक रहा ना भैया? अभी तक यहाँ सही रहा ना अभी तक? पक्का? तो भैया लोग यहीं से, तो आप लोग आ रहे हो तो भाई भैया लोग मिल ही जाएंगे आपको यहाँ पे लोकल में। और भाई अभी हम लोग जा रहे हो, तो भाई हम लोग पार्किंग पर लगाने के बाद पहुँचे थे चेयर लिफ्ट पे, लेकिन चेयर लिफ्ट तो चल नहीं रही। अब हम पैदल पैदल ही चलेंगे जहाँ तक जाया जाएगा। और क्या मस्त व्यू है भाई सच में है। ये देख लो भाई, ये व्यवस्था करने पर लगे हैं पैदल पैदल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पूरा पानी पानी भर रखा है जूतों की लगने वाली लंका। मेरे साथ आए हुए दोनों लौंडे देख रहे हो भाई, इतने पीछे चल रहे हैं ना, और लास्ट में अब जाके दौड़ रहे हो। वाह वाह वाह, अति सुंदर। यहाँ मत होना लोट पोट तू, ठीक है ना? तो भाई सच में बहुत ही मस्त शहर का, और भाई समय तो इतना सही टाइम है ना वैसे चलने का। बस ये है कि हम लोग चल रहे हैं और बर्फ़ देखो भाई, यार ही तो मस्त ही बर्फ़ रखी है। मतलब इसमें ऐसे भी कूदेंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगी। आहा सुंदर सुंदर, अति सुंदर, मस्त। तो हम लोग चल रहे हैं पैदल, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। हमारे कजवाल भाई जी सबसे आगे चल रहे हैं। अरे यार संजू भाई क्या बदतमीजी यार तुम्हारी भाई, हट, वेट बढ़ गया था बस, तभी पहुँचा तो मैं नहीं आ रहा ऊपर, सही है। तो यहाँ पे हमारे संजू भाई कुछ खतरनाक कारनामे करने वाला है, जैसे इन्होंने चोपते में किया था, और यहाँ पे इन्होंने आज कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाला है। ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई साहब, भाई हम लोग अभी आधे रास्ते पे चढ़े और देखो वहाँ है नीचे चेयर लिफ्ट, और अभी हम लोग आधे रास्ते पे चढ़े। अब देखो यहाँ तक चढ़ पाएंगे वहाँ तक चढ़ेंगे, लेकिन सच में यार मौसम बहुत ही अल्टीमेट हो रखा है, और उस साइड हो गया पूरा ब्लैक क्लाउड्स, देख रहे हो भाई ये खतरनाक। संजू भाई क्या हुआ, क्या हुआ? ठंड लग गई संजू भाई को, लग गई ठंड में भाई। मैं सारा टोपी वोपी पहन के पूरा आया, मेरे को पता था ना कि ऐसा ऐसा वाला मौसम तो हो गई संजू भाई तुम्हारे लिए अभी। हाँ कैसा 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 ऐसा वाला मौसम होगा अभी। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि हम लोग भाई 10 नंबर तक नहीं पहुंच पाए, हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा, और ठंडा बहुत तगड़ा हो गया, और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल तो हो रही है। हमने तो सोचा था स्नोफॉल मिलेगी, लेकिन ऐसा दिक्कत होगी क्या बताएं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस ही अपने रूम पर जहाँ हम लोगों ने बात की थी, और संजू भाई इधर सो चुके हैं और हमारे स्पॉन्सर साहब उधर सो रखे हैं। स्पॉन्सर साहब को हमने पूरा VVIP वाला माहौल दे रखा है। हाँ हाँ बोलो बोलो, आप भी कुछ बोल रहे हैं, बोलो बोलो भाई जी के पास पूरा 3 बेड दे रखा है, पूरा 3 बेड दे रखा है। और भाई जी अब देख रहे हैं, अब देख लो आगे आप अपने हिसाब से, आपको जैसी व्यवस्था है चाहिए। तो भाई और मौसम का अपडेट यह है कि भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश नहीं बर्फ़ पड़ रही है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ पड़ने शुरू हो चुकी है। तो भाई हम बाहर निकलने को तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि जोशीवर में भालू वालू बहुत घूमते हैं। रिक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो मंजीत भाई, खास कर आपके लिए है ये। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय श्री राम। मैं गोपेश्वर दावी बंदा जब आके आया आके बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नहीं लगदी है तू लगे।